फट हमारी तेरी है, फट हमारी तेरी है। यहाँ पर किसकी आँखें गई, किसके यहाँ पर, यहाँ पर किसी आँखें गई। हमारे पे सेफ्टी के लिए सब कुछ पड़ा है, वो भी हम निकाल सकते हैं, बट यूट्यूब पे वो सब दिखाने अलाउ नहीं है। मतलब वो दो नंबर की चीज़ नहीं है, लाइसेंस के साथ है। एंड जस्ट हमें रुके पड़े थे अभी, तो पता नहीं क्या वो उस तरफ से ना कोई पत्थर फेंक के मार रहा है। हाय, मेरा नाम ओम, और आज मैं और कुलदीप एक पूरा मतलब पूरे सोसाइटी थी, बहुत सारे फ्लैट हैं पूरे खाली हो चुके हैं। खाली क्यों हुए उसके पीछे की भी स्टोरी बताऊँ। मैं यहाँ के दिन की वीडियो बनाई थी, वो किसने हटवाई मैं वो भी बताऊँगा, मेरे को कहाँ कहाँ से धमकियाँ मिली मैं वो भी बताऊँगा। और प्लीज़ अगर आप एक छोटे बच्चे हो तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप ये पूरी वीडियो देखो, अगर आप 12-13 साल के तो प्लीज़ मत देखना। मुझे पता है मेरी वीडियो बच्चे बहुत देखते हैं, तो मत देखना, क्योंकि ये वीडियो में कुछ ऐसा है जो आप फैमिली के साथ भी ना देखो। जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मुझे नहीं पता आपकी फैमिली के साथ आप कितने फ्रैंक हो कितने नहीं हो, तो प्लीज़ अगर आपकी फैमिली के साथ आप ये वीडियो देख रहे हो तो मत देखना। अगर आप छोटे बच्चे हो तो ये वीडियो मत देखना, क्योंकि इसमें कुछ अजीब चीज़ें जो है यहाँ के बारे में सच्चाई बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को एक थोड़ा सा ध्यान ये देना कि जब मैंने यहाँ के दिन की वीडियो बनाई तो बहुत लोगों ने कहा था कि ना यहाँ पे इस खिड़की पे कोई दिख रहा है, इस खिड़की पे कोई दिख रहा है। तो यहाँ पे अक्सर होता है कि खिड़की के पास ना कोई बच्चे भागते देखते हैं, वो स्टोरी में पूरी बताएंगे। तो यही वाला है, हाँ, मेन जो मेन कहते हैं ना, जो मेन फ्लैट जो यहाँ पे, वो भी दिखाएंगे। बाकी उसकी वजह से पूरे जो कि यहाँ के सारे फ्लैट खाली हो गए वो भी दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं और पूरी स्टोरी बताते हैं सब कुछ। तो चलो चलो, और इस वीडियो पे हमें कितने लाइक चाहिए, कुलदीप कितने लाइक मांगता है? अगर लाइक उतने आ गए तो हम दूसरी वीडियो जल्दी बनाएंगे। दे वाली वीडियो में कितने थे? दे वाली वीडियो आई डोंट नो, तो मिलियन में गई थी, मिलियन में जाके हट गई थी। इस वीडियो में हमें 25,000 लाइक, ज़्यादा नहीं मांग रहे, 25,000 लाइक, ठीक है, 25,000 लाइक तो बनते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। हाँ, 25,000 लाइक कर दो, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी बनाएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, दिखाते हैं वो मेन फ्लैट, उसके बाद हम पूरा दिखाएंगे पूरे जो यहाँ के लाइट में, हाँ पूरे जो यहाँ के फ्लैट है वो दिखाते हैं। चलो आ जाओ, और तुम्हें फ्लैट दिखा दूँ कहाँ से। देखो वो दिख रहा है, वो जो वहाँ से वो कोई लाइट भी जला रहा है शायद, आई डोंट नो, वो लाइट जो लाइट जल रही है वहाँ से लेके ये पूरे फ्लैट, वो जो दिख रहा है वहाँ तक, ये पूरे फ्लैट खाली पड़े हुए हैं इस टाइम। और अब हम किसी एक फ्लैट में घुसेंगे, तो कुलदीप इस वाले में चले, ठीक है, आ जाओ, इस वाले में चलते हैं। और इस वाले में हम देखने वाले हैं कि हमें कोई दिखता है कि नहीं दिखता। और मेन ना पता है क्या होता है कि यहाँ पे ना ऐसा अक्सर होता है कि बच्चे आपको दिख जाएंगे इन फ्लैटों में, खिड़कियों में अपना ध्यान से देखना कि आपको खिड़कियों में कोई दिखता है कि नहीं दिखता है, और सब कुछ हम बताते हैं। चले कुलदीप, चल भाई। तो यहाँ पे मेन जो डर है ना हमें चर्चियों का है, एंड कई लोग को यहाँ पे चर्सी बोलते हैं। चर्सी वो लोग होते हैं जो काफ़ी नशा करके होते हैं, मतलब हर टाइम नशा करके बैठे होते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं फ्लैट में, अरे बोले ये देख लो पूरी झाड़ियाँ झाड़ियाँ, ध्यान से आइए बोलिए भाई। तो यहाँ पे ना अजीब सा, पता नहीं सच में लग रहा है मेरे को, तो फील हो रहा है कि जैसे ना कि कोई हमें देख रहा है एंड गायब हो रहा है, इतनी देर में ही देख रहा है। जब हम आते ना तब से कुछ देर को भी ऐसा लग रहा है, फील तो हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है और गायब हो रहा है। अजीब से है यार, मेरे को बहुत अजीब सा है। क्या क्यों क्यों नीचे पे ना किस चीज की आवाज थी, बहुत जोर की आवाज थी। तो देख तो नहीं ना, इधर कुछ साउंड था ना बहुत जोर की। ऐसा ना कोई कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा हूँ। हम तो ये किचन था छोटा सा।
थोड़ा गर्मी यहाँ पे काफी लग रही है, बहुत ज्यादा हो रही है यार। ये सीढ़ियों पे से आ रहा है ना, कोई है क्या? देखो पता है एक जो चीज है यहाँ पे ना चलता है 18 प्लस काम। लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी वो 13 साल की लड़की हुई यार, वो पैसे लेके गंदे काम करवा रही थी यहाँ पे। तो ये जगह तो कुछ मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों कर रखा है और कितने गिरोह साहब मिले हैं सब चीज़ों में, वो सब कुछ फोर्थ फ्लोर तक चल रहे हैं और यहाँ पे ये सब चीज़ें दिखती हैं। ये भी बच्चों का जो भी होता है शायद क्या है कुछ कंफर्म नहीं है, बट हाँ जब से हम आए हैं कुछ अजीब सी आवाज़ है नीचे, एंड हमें जब हमने आगे हम खड़े हुए थे ना तो हमें कोई देख देख के बार बार जा रहा, तो हम डिसाइड कर रहे थे कि बनाए कि नहीं बनाए, बनाए कि नहीं बनाए, फिर कुछ भी पैरा चलना जो होगा देखा जाएगा। और यहाँ से इस पर शायद पैर रख के बंदे ऊपर भी चले जाते हैं, ऊपर दिखा दीजिए ऊपर दिखाते हैं। तो ये फोर्थ फ्लोर है, तो क्या हुआ जब ये बच्चे यहाँ से गिरने लग गए ना उन्होंने ये लगा दिया, बट उसके बाद भी लोगों ने रहना यहाँ पे छोड़ दिया। एंड अब यहाँ पे चलता है बहुत बहुत गलत गलत काम, वो सब कुछ बताएंगे। समय को नहीं चाह रहा। तो यहाँ पे इतने चढ़ से लोग आते हैं ना, शायद उन्होंने ये ग्रिल छोड़ दी है बस, वरना एक टाइम आएगा ये भी यहाँ से गायब मिलेंगे। तो अभी जिनके फ्लैट हैं अभी आई डोंट नो किसके अंडर में चले गए हैं, बट देखते हैं। और गर्मी काफ़ी हो जाएगी, दिख रहा होगा सब कुछ गीला गीला हो चुका है एंड कहाँ कहाँ तक वो फटा था। डंडा उठा लेंगे, डंडा उठा लेंगे। कोई है क्या भाई यहाँ पे? उस तरफ कोई है? कोई नहीं है। यहाँ पे ना बंदों को डराया जाता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ना जो भी आता है उसको डराया जाता है, क्योंकि यहाँ पे चलता है गंदा काम। आंटियाँ भी करती हैं, जब 13 साल की बच्ची थी यार, आई डोंट नो उसकी क्या प्रॉब्लम होगी, उससे वो काम करवा रहे हैं। दिख रहा है कोई नहीं? तो फिर मेरे को ये डर था कि कहीं वो लोग कुछ कर ना दें तो फिर हम यहाँ की वीडियो नहीं बना रहे। झाड़ियों में तो नहीं यार कोई, ऐसे तेरे को किस तरह फील हो रहा है? आवाज आई है। एक काम कर, पीछे 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 मैंने पत्थर खींच के मारता हूँ, दोनों सौ ना बाहर एक बार आवाज मार ले। कोई है? कोई है क्या बाहर आ रहा? पत्थर मार रहा हूँ वरना। वो पत्थर पर पड़ा है ना वो? हाँ पड़ा। कोई तू पत्थर मार। तो मारू किस साइड? उधर यहाँ पे ना बंदों को डराया जाता है एंड मुझारियाँ काफ़ी लंबी हैं,
वो बंदा कहाँ से निकल गया उसको, क्योंकि उसका रोजर खराब है। और था कोई हमारी उम्र का ही। किसी की ना ये कैसी आवाज आ रही है, जोर जोर से की सांस ले रही है ना। डर फट हमारी तेरी फट हमारी या फिर किसी आँख है गई, किसी आँख है यहाँ पे, किसी आँख है गई। पता है हमारे पे सेफ्टी के लिए सब कुछ पड़ा है, वो भी हम निकाल सकते हैं, बट यूट्यूब पे वो सब दिखाना अलाउ नहीं है। मतलब वो दो नंबर की चीज़ नहीं है, लाइसेंस के साथ है। जो ऊपर से किसी ने कुछ फेंका है, बच्चे की आवाज़, किसी बच्चे की आवाज़ है ना। कैमरा ब्लर हो गया, और ये देख रहे हो जैसे ये फ्लैट में दिख रहा है, जैसे ये खिड़कियां लगा दी गई हैं, ये खिड़की में ईंटें लगा दी गई हैं, दिख रहा है, और इस वाले में, और ये गेट पूरा बंद कर दिया गया, दिख रहा है। तो पता क्या, थोड़ा पीछे ये जो फ्लैट है ना, किसी के मतलब किसी बंदे के होंगे जो यहाँ पे शायद देखने वेखने भी आता होगा, तो उसको पता लग गया कि जब मैं कितने भी गेट लगाऊँ चर्सी लोग निकाल के ले जाएंगे। तो उसने क्या क्या खिड़कियों पे और हर तरफ उन्होंने वो लगवा दिए, ईंट की दीवार बनवा दी है, क्योंकि अकेले वो इंसान नहीं रह सकता यहाँ पे, कोई नहीं रहता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमें बच्चे, वो एक बच्चा मरा था, फिर उसने और बच्चों को लाने लग गया, फिर बच्चा वो दिखता है खिड़कियों में एंड वो और बच्चों को बुलाता है और उनको छत से खुदवा देता है, ऐसे करके कुछ स्टोरी है। तो उसकी वजह से सब लोगों ने यहाँ के फ्लैट खाली कर दिए थे, और फिर अब यहाँ पे चर्सियों का और जो दो नंबर के काम करते हैं ना, उनका ये अड्डा हो गया है। तो इस वजह से सर वो ये नहीं चाहते कि हम यहाँ पे आएँ, क्योंकि मच्छर घुस गया, पता नहीं लास्ट दो वीडियो से कह रहा मच्छर घुस गया। और ऊपर जैसे ना एक बात भी है, ऊपर ऐसा जैसे आप देखोगे ना, कहाँ लग रहा है कि कोई आपको देख के जा खिड़कियों से, तो उन्हें कई बार फील किया। एक बार आप ना जैसे ना कुलदीप अभी पता क्या करेगा, तो थोड़ा देखिए कुलदीप ना अभी पता क्या करेगा, एक बार यूँ करेगा कि यहाँ का, तो आप जैसे ना हर खिड़की की तरफ ध्यान देखना। और कई लोग मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ दिखा वो रेड करके, आप लोग ना एक बार थोड़ा ध्यान से देखना, आपको मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो कुलदीप ऐसा करिए, वो जो बंदा है शायद वो और बंदों को भी बुला के लिया है, और हम फ्लैट के अंदर उनको मिल गए हम दो लोग, तो दिक्कत हो सकती है, बाहर तो कुछ नहीं करेगा क्योंकि बाहर तो देख रहे हैं तो दिल के बाद अपना सामान भी है। एंड जस्ट हमें रुके पड़े थे अभी, तो पता नहीं क्या वो उस तरफ से ना कोई पत्थर फेंक के मार रहा है, और वो हम इधर था ना बोलते यार, यार चल लिया इतना उसका खतरा नहीं, इतने बंदों का खतरा लग रहा है ना, कोई है ऊपर है क्या, कोई टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है यार, इधर बहुत अजीब जैसा लग रहा है यार, इधर की तरफ से ना कोई पत्थर फेंक रहा है, आई डोंट नो इस दीवार की तरफ से या फिर उधर के, देखें कोई दीवार बाहर जाए, बाहर इधर कैसे जाएगा, अबे वो अब मुझे उस तरफ से लग रहा है, वो आगे की तरफ से क्या ब्लर हो गया, इधर हम देख के आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है सर पीछे किसी ने पत्थर मारा यार, अपने ना लग जाए यार, अपने कैसे लग जाएगा यार, लग भी सकता है यार, पत्थर को थोड़ी पता हम कौन, पर वो फेक कौन रहा है, ये रहा पत्थर एक उत्तरी, ये कोई ऊपर से फेंक रहा हूँ,
आ जाए यार, आ जाए एक बार कुलदीप, पत्थर ना लग जाए हमारे। देखो ध्यान से, ध्यान से चल, ध्यान से चल। लाइट लाइट बंद कर देंगे, लाइट बंद कर देंगे, लाइट बंद कर दें। यहीं से तो रो रहे हैं, तो जाते हैं वहाँ, हमें यहाँ से चलना बोलिए, चल लें यहाँ से, चल ले जी, ध्यान से भी टेक मत काट दी। नहीं जाना पॉसिबल नहीं है, देखियो तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि हर तरफ ना बारिश हो गई है, कुलदीप भाई देखो, तो वो बारिश हर तरफ नहीं, बारिश होने की वजह से झाड़ियाँ हर तरफ हो गई हैं, तो हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं, फ्लैट और हम कुछ नहीं कुछ नहीं जाते, तो अब हम ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है कुलदीप, है ना, क्योंकि यार अंदर जाना लाइफ का रिस्क है थोड़ा, और हम ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई, और एक था लड़का जो हमें डरा रहा था कुछ ऐसे करके कि जैसे कोई भूत हो, बट भूत नहीं था यहाँ पे, वो लड़का था। बड़ा एक चीज़ जो हमें फील हुई कि ना खिड़की के पास ऐसा लग रहा था जैसे खिड़की के पास कोई जा रहा है, और इधर उधर वो बच्चा सा जो एक मन में बहम है क्या, आई डोंट नो, कि वो हर खिड़की के पास से लग रहा था। कुलदीप अपना एक्सपीरियंस बताओ इधर क्या हुआ। फील तो बहुत कुछ हुआ है यहाँ पर, वो वहाँ पर जो हमने वो झाड़ियों में बंदा देखा है, ऐसा लगता है कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो भगाना चाह रहा है यहाँ से। वो इसके पीछे का रीज़न कि जो जो हम थोड़ा एक दिन हम जब दिन में देखने आए थे मैं और कुलदीप यहाँ का, तो जो हमें पता लगा कि यहाँ पे बहुत बहुत कुछ होता है यहाँ पे, इसलिए गांज आई डोंट नो वीडियो पर बोलना अलाउ होगा कि नहीं, मतलब जो नशे वशे करने की चीज़ें होती हैं ना वो सब यहाँ पे बिकता है, और मतलब हर जैसे ना फ्लैट बांट रखे हैं लोगों ने कि इस फ्लैट में मेरा अड्डा है, इस फ्लैट में मेरा अड्डा है, और दो नंबर के काम आंटियाँ करती हैं, बच्चियाँ करती हैं 13-13 साल की, और इस इलीगल जो भी काम है ना, काम होते हैं सारे होते हैं, इसलिए डराया गया ताकि ये फ्लैट कभी कोई रहने ना आए और इनका धंधा आराम से चले। तो आई डोंट नो जिन्होंने खाली किया उनको शायद फ्री फील होता हो, या फिर लोगों ने डरा डरा के भगाया। और इसके जैसे बगल में ना एक कॉलोनी है, वो भी थोड़ा ऐसे है कि क्या बताएं उस कॉलोनी के बारे में, बट हमने इतनी देर रुके, अभी हमें इस बात का डर है कि वो बंदा तीन चार से तो हम निपट लेंगे, फिर ज़्यादा लेके ना आ जाए तो हमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो हमसे डर के भगाए, तो पक्का पता है हमें वो कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आएगा वो हमें डराने के लिए। तो ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और हम दोनों को आपने अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, इसका हम पार्ट कभी देखेंगे। कुलदीप मैंने कहा कि यार कुलदीप इसका ना नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे कभी, कुलदीप कह रहा कैमरे मत बोलियो मैं क्यों कह रहा, लोग ना परेशान कर देंगे तेरे को कि नेक्स्ट पार्ट भाई, लोग ना मुझसे डिमांड करते हैं ना, तो अच्छा लगता है कुलदीप। वो कुलदीप को ये था कि जल्दी नहीं आएंगे यहाँ पे, क्योंकि ना अंकित के पापा की भी तबीयत ख़राब चल रही है, तो अभी तो ठीक हो गए हैं बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, शायद 20 दिन या 25 दिन है ना, तो उसके बाद अंकित फ्री हो जाएगा, बट अंकित अभी बिजी है, और रात को तो हमारे कोई वेला बंदा है नहीं कि जो हमारे साथ रात को घूमे, कोई आना नहीं चाहता हमारा कोई, सर जब हम किसी को कहते हैं ना कि इतने बजे चलना है और यहाँ यहाँ की वीडियो, तुम चले जाते हो कैसे बना लेते हो मुझे हमारी वीडियो देखता तो कहता यार तुम इतनी देर को कहाँ है, इतनी रात को इतने कहाँ गए थे। तो भाई ये ना बस हमें ना भूतों का डर नहीं था, वो जहाँ तक आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें क्या थी वो हमें बताना, ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, तो सभी को नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक मेरे को और कुलदीप को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो क्या करना है कुलदीप, फॉलो करना है, दबा के फॉलो करना, दबा के फॉलो करना एक बार ना, दबा के फॉलो करने का मतलब बता दे फिर लोग दबा के फॉलो करेंगे डबल मीनिंग बात नहीं हुई वैसे, दबा के मतलब लिंक में जाओगे ना, जो लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन में उसे क्लिक करोगे तो एक फॉलो का बटन आता है, फॉलो का जो वो होगा तो उसे दबाना है, उसे दबा के फॉलो करना है, तो डबल मीनिंग कोई बात नहीं, क्या कवर किया लड़के ने मिलता सही नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।